अब हम पढ़ेंगे क्राउडिंग। तो क्राउडिंग क्या होता है? क्राउडिंग रिफर्स टू फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो ये फीलिंग होती है हमारे डिस्कम्फर्ट की, बिकॉज देर आर टू मैनी पीपल और थिंग्स अराउंड अस गिविंग अस एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल रेस्ट्रिक्शन एंड समटाइम द लैक ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, तो क्राउडिंग से आप क्राउडिंग आप समझ ही गए होंगे। क्राउडिंग वर्ड का मतलब होता है क्राउड, जब आपके आसपास बहुत ज्यादा क्राउड हो, बहुत ज्यादा लोग हो, अनवांटेडली अननेसेसरीली। तो उससे आपको क्या होता है, उससे आपको एक फिजिकल रेस्ट्रिक्शन होता है। आप लोग कुछ एक्शंस नहीं कर पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं, आपकी प्राइवेसी कम हो जाती है, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा क्राउडिंग, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, क्राउडिंग इज अ पर्सन्स रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेस। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, बहुत जैसे आप कहीं, मान लीजिए आप कहीं शादी में गए हैं, एक मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल बहुत छोटा है, मान लीजिए आप वहां पे बस 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन वहां पर आ गए 300 400 लोग, तो क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगेगी, आपको फिजिकल रिस्ट्रिक्शन होने लगेगा, आपको लैक ऑफ प्राइवेसी फील होने लगेगी, आप मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरीली लोग वहां पर आके भर गए, जगह नहीं है फिर भी आ गए, तो उसको बोलते हैं हम क्राउडिंग। फिर आता है हमारा क्राउडिंग इज रिलेटेड टू डेंसिटी। तो हमारा क्राउडिंग डेंसिटी से कैसे रिलेट करता है? ठीक है, तो द नंबर ऑफ पर्सन विद इन द अवेलेबल स्पेस। तो ये डेंसिटी से ऐसे रिलेट करता है कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर कितने पर्सन हैं, कितने लोग हैं, तो इस तरीके से ये डेंसिटी से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर आप मान लीजिए 15 पर्सन ट्राई टू स्क्वीज इन फोर सीट्स इन आर रेलवे कंपार्टमेंट। जैसे चार से मान लीजिए आप वहां पे 4 लोगों की सीट है, लेकिन वहां पे 15 15 लोग आके एक साथ घुस गए। ईच पर्सन इज लाइकली टू एक्सपीरियंस क्राउडिंग, सबको क्राउडिंग फील होगा, सब सोचेंगे पहले हम बैठ जाए हम बैठ जाए हम बैठ जाए, सबको सफोकेशन फील होगा, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन फील होगा। तो प्लेस द सेम 15 पर्सन इन अ लार्ज हॉल एंड नोबडी एक्सपीरियंसेस क्राउडिंग। तो आप क्या करेंगे, आप उन्हीं 15 लोगों को लेके जो रेलवे में 4 सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, आप उनको अच्छी खासी 20 सीटों वाला हॉल दे दीजिए, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, क्राउडिंग फील नहीं करेंगे, वो लोग आराम से खुल के बैठेंगे, उल्टा वहां पे और 5 सीट्स बच जाएंगी, तो उन लोगों को क्राउडिंग फील नहीं होगा, उन लोगों को लैक ऑफ प्राइवेसी फील नहीं होगी। तो ये होता है हमारा डेंसिटी। ठीक है, तो ये लोगों की डेंसिटी से भी रिलेट करता है कि लोगों की डेंसिटी कितनी है और वो कितनी जगह के लिए कंपीट कर रहे हैं। नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ क्राउडिंग हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो क्राउडिंग के ये कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। एक अगर एक एक सीट के लिए 15 लोग कम्पीट करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगा, लॉस और डिक्रीज इन प्राइवेसी, प्राइवेसी कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेसिंग अराउंड द पर्सन। तो लोगों को ना उस जगह को लेके ना एक नेगेटिव फील आने लगता है। जैसे अगर आप किसी और से मिलेंगे ना, तो भी आप उनको जाके ना यही बताएंगे, आप नेगेटिव फीडबैक ही देंगे कि वहां उस रेलवे में तो ऐसा होता है, सीट्स कम होती हैं और वहां पे 15 15 लोग एक साथ घुस जाते हैं, तो आपकी ना प्राइवेसी कम हो जाती है, ये कम हो जाती है, वो कम हो जाती है, प्राइवेसी रिड्यूस हो जाती है, आपको फिजिकल रेस्ट्रिक्शन होता है, तो वो दूसरों को भी नेगेटिव फीडबैक ही देंगे। ठीक है, तो उनका ना वो व्यू पॉइंट ही नेगेटिव बन जाता है। तो ये होता है हमारा एक्सपीरियंस। फीलिंग और लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शन। इतना ज्यादा भीड़ होती है, इतने ज्यादा लोग होते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपके साथ जो भी होगा आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, इतना शोर, इतना चिल्लम चिल्ली होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बड़ा बाजू वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, तो आपका सोशल इंटरेक्शन भी कम होता है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेसफुल इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग, क्राउडिंग से हमें कैसे स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसके स्ट्रेसफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, हाई डेंसिटी में लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड अग्रेशन। तो इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर और अग्रेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए जैसे बहुत ज्यादा लोग होंगे एक ही जगह पे, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, जैसे हमने रेलवे का एग्जाम्पल दिया, 15 लोग एक ही सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पहले मैं बैठूं, इस चक्कर में ना बहुत ज्यादा फिजिकल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाएंगे, बहुत ही एबनॉर्मली बिहेव करने लगेंगे, और कभी कभी ये ना बहुत वायलेंट हो जाता है, और ये लोग ना एक क्राइम की हद तक पहुंच जाता है ये। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रेसफुल इफेक्ट। नाउ सेकंड हो गया हमारा
क्राउडिंग लीड्स टू लोअर परफॉर्मेंस ऑन डिफिकल्ट टास्क इन्वॉल्व कॉग्निटिव प्रोसेसेस. ठीक है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस पे हमारा स्ट्रेसफुल इफेक्ट डालता है एंड हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन लाइक मेमोरी पे, बहुत बुरा असर डालता है. हमारी मेमोरी लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, हमारे इमोशंस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमको बहुत नेगेटिव फील होता है, बहुत सफोकेटेड फील होता है. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव प्रोसेस. चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन वेरी क्राउडेड हाउस होल्ड शो लोअर अकेडमिक परफॉर्मेंस. जैसे आप मान लीजिए आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, जैसे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, लाइक चाचा ताऊ दादा दादी, लाइक जॉइंट फैमिलीज. ठीक है, नॉट न्यूक्लियर, जॉइंट फैमिलीज, बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती हैं. तो उसमें जो ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, वो मतलब खेलने कूदने में ही लगे रहते हैं, अब हम इसके पास बैठ जाओ, हम इसके पास, क्योंकि उनको बहुत प्यार मिलता है. इतने सारे लोग होते हैं, उन्हें इतना प्यार करते हैं, ये खिला दिया वो खिला दिया, तो वो ना उसी ही चीज में रह जाते हैं. उनकी जो अकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि घर में बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, स्पेस कम हो जाती है, बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, तो उनकी इस वजह से उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है. फिर आता है हमारा थर्ड, नेचर ऑफ द सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन को कैसे ये हमारे इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए इफ द इंटरेक्शन इज ऑन अ हैप्पी सोशल ओकेजन. ठीक है, कोई हैप्पी सोशल ओकेजन है, वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सच एज लाइक अ पार्टी और अ पब्लिक सेलिब्रेशन, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सेम फिजिकल सेटिंग बिकॉज नो स्ट्रेस. ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बहुत बड़े ग्राउंड में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको ऐसा कोई लैक ऑफ प्राइवेसी फील नहीं होगा, आपको वहां पे अच्छा लगेगा, आप लोगों से बात भी अच्छा करेंगे, रादर देन इट विल लीड टू अ पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन. आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, आप बहुत अंदर से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे. तो ये हो गया हमारा सोशल इंटरेक्शन. नाउ इंडिविजुअल डिफरेंट डिग्री टू विच दे शो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग. तो जो इंडिविजुअल होते हैं ना, वो मतलब बहुत अलग अलग नेगेटिवली वो इफेक्ट करता है क्राउडिंग पे. ठीक है, इंडिविजुअल डिफर इन डिग्री, इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफर करते हैं डिग्री में टू विच दे शो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग. ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं वैसे तो जो नेगेटिवली इफेक्ट, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत वायलेंट या एग्रेशन वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, साइड दिखाते हैं क्राउडिंग को लेकर. अब आ जाता है हमारा टू काइंड ऑफ क्राउडिंग में, दो तरीके के टू काइंड ऑफ टॉलरेंस होते हैं. ठीक है, टू काइंड ऑफ टॉलरेंस कैन बी सीन विद क्राउड्स. तो फर्स्ट वन हमारा आ जाता है क्राउडिंग टॉलरेंस, सेकंड आ जाता है हमारा कॉम्पिटिशन टॉलरेंस. तो हमारा क्राउडिंग टॉलरेंस क्या होता है, तो इसका एग्जांपल आप मान लीजिए लाइक अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन विद अ स्मॉल रूम. ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं छोटे से रूम में. पीपल हु आर यूज्ड टू एन एनवायरमेंट कंटेनिंग में पीपल अराउंड देम, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ग्रो अप इन अ लार्ज फैमिली दैट लिव्स इन अ स्मॉल हाउस होल्ड. तो जो लोगों का ना घर बहुत छोटा होता है, लेकिन उनमें ना उनके फैमिली मेंबर ज्यादा होते हैं, उनकी जॉइंट फैमिली होती है, तो उन लोगों को इन सब चीजों की आदत होती है, उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज को पहले ही बचपन से अडेप्ट कर चुके हैं. तो ये होता है क्राउडिंग टॉलरेंस. तो मतलब उनका टॉलरेंस बहुत होता है, वो इतना ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट या रिएक्ट, वो उनको इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है उनके इमोशंस पे या किसी भी चीज पे, अब इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा क्राउडिंग टॉलरेंस. कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन टॉलरेंस क्या होता है, एबिलिटी टू पुट अप विद अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स हु हैव कम्पीट. ठीक है, कॉम्पिटिशन टॉलरेंस क्या होता है कि जहाँ पे लोग अपनी एमिनिटीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कम्पीट करें. जैसे रेलवे में एक सीट है, वहां पे 15 लोग एक साथ आ गए, उन लोगों को आदत नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कम्पीट करेंगे कि पहले हम बैठ जाए, हम बैठ जाए. तो ये होता है कॉम्पिटिशन टॉलरेंस. नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउडिंग, क्राउडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट वन हो गया हमारा पर्सनल स्पेस. पर्सनल स्पेस क्या हो गया, देयर इज अ रिएक्शन ऑन पर्सनल स्पेस एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ नेगेटिव रिएक्शन ऑफ क्राउडिंग. ठीक है, जिसमें हमारी द कम्फर्टेबल फिजिकल स्पेस वन जनरली लाइक्स टू मेंटेन अराउंड वन सेल्फ. सब लोगों को मतलब सब लोगों को ना अपने आसपास एक कंफर्टेबल फिजिकल स्पेस चाहिए होती है, प्राइवेसी चाहिए होती है, जिसमें वो लोग कंफर्टेबल फील करें. इट अफेक्ट बाय हाई डेंसिटी एनवायरमेंट. तो ये क्या होता है, ये अफेक्ट करती है हाई डेंसिटी एनवायरमेंट से. इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस, इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस क्या होता है हमारा, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट
कॉल्ड पर्सनल स्पेस। ये एक ब्रॉडर पार्ट हो गया हमारा, पर्सनल स्पेस का ही कॉन्सेप्ट का ये ब्रॉडर पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल स्पेस वी लाइक टू हैव ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास की जितनी भी फिजिकल स्पेस हमें चाहिए होती है, फिजिकल डिस्टेंस चाहिए होता है दूसरों से बात करने के लिए, जो भी हम जितना भी हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल फिजिकल। तो हमने बोला हमें फिजिकल, तो हमने बोला हमें फिजिकल डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, बात करने के लिए कुछ इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस चाहिए होता है। तो वो डिस्टेंस कितने तरीके का होता है हमारा, एक होता है इंटीमेट डिस्टेंस, एक होता है पर्सनल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस एंड पब्लिक डिस्टेंस। तो हमारा हम इंटीमेट डिस्टेंस किससे शेयर करते हैं, तो द डिस्टेंस यू मेंटेन व्हेन यू आर टॉकिंग प्राइवेटली टू समवन और इंटरैक्ट विद अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। इंटीमेट डिस्टेंस आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या आपके जो भी क्लोज होता है उसके साथ, तो ये कितना होता है अप टू 18 इंचेस। 18 इंचेस के डिस्टेंस के साथ आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। देन आ जाता है हमारा पर्सनल डिस्टेंस, तो ये भी हमारे पर्सनल डिस्टेंस में आ जाता है। जैसे आप 1 to 1 किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या लाइक अपने आप अपने वर्क प्लेस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा 18 feet to 4 feet तक, ठीक है। जिनसे जो आपके क्लोज होते हैं, आप उनसे इतना क्लोज नहीं होते, लेकिन आप वो आपके आसपास रहते हैं रोज, तो उनसे आप क्या शेयर करते हैं, पर्सनल डिस्टेंस। फिर आ जाता है हमारा सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस आप किससे शेयर करते हैं, सोशल डिस्टेंस आप शेयर करते हैं द डिस्टेंस यू मेंटेन व्हेन द इंटरेक्शन इज फॉर्मल एंड नॉट क्लोज। जब इंटरेक्शन आपका फॉर्मल होता है, आप किसी सोशल सेटिंग में होते हैं, लाइक अगर आप जैसे अपने टीचर से बात कर रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो आप 4 to 10 feet का डिस्टेंस रख के बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी वो सोशल डिस्टेंस है, आपको वहां पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। देन आ जाता है आपका पब्लिक डिस्टेंस। पब्लिक डिस्टेंस आपका कितना होता है, 10 feet to infinity, ठीक है, आप 10 feet या उससे दूर जाके खड़े हो सकते हैं। पब्लिक डिस्टेंस आप किसके साथ शेयर करते हैं, द डिस्टेंस यू मेंटेन इन अ फॉर्मल सेटिंग वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ एन ऑडियंस फ्रॉम अ पब्लिक स्पीकर और अ टीचर इन अ क्लासरूम, ठीक है। जब आप कुछ देखने जाते हैं, कोई शो देखने जाते हैं, कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई कंसर्ट देखने जाते हैं, तो वहां पे आपको पब्लिक डिस्टेंस शेयर करना पड़ता है फॉर योर एंड फॉर कि अपनी और सामने वाले की प्राइवेसी के लिए। तो अब आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, ठीक है, एक्सप्लेन्स मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग एज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग को एज एन एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। टेल अस अबाउट द सोशल रिलेशनशिप्स, ये हमें सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। ये हमें आइडिया देता है अबाउट हाउ फिजिकल स्पेस कैन बी मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा पब्लिक पब्लिक डिस्टेंस, इंटीमेट डिस्टेंस, पब्लिक प्राइवेट लाइक पब्लिक डिस्टेंस, पर्सनल डिस्टेंस, तो ये हमें वो बताता है, ठीक है, कि हम डिस्टेंस को या स्पेस को कैसे मॉडिफाई करें ताकि हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें और डिस्कम्फर्ट जितना भी होता है हमारे सोशल इंटरेक्शन में, हम उस डिस्कम्फर्ट को कम कर सकें। तो नेचुरल डिजास्टर्स आप सभी को पता है, दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स आर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस, ये हमारे स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, देर आर दैट इज अ रिजल्ट ऑफ नेचर्स, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर्स आपको पता है कितने तरीके के होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, हमारा नेचुरल डिजास्टर हो गया, लाइक हमारा फ्लड, हमारा अर्थक्वेक, ये सब हमारा जो भी हमें स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस दे के जाता है वो होता है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज एंड फ्लड एक्सेट्रा, ये सब हमारा नेचुरल डिजास्टर के अंदर आ जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स क्या, इससे क्या होता है, हमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, हमें PTSD हो जाता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, हमें एंजाइटी हो जाता है, हमें इमोशनल वाउंडिंग हो जाती है, ठीक है। शॉकिंग टू दोज सर्वाइव दैट डिजास्टर, वो लोग बहुत शॉक में चले जाते हैं जो लोग उस डिजास्टर से सर्वाइव कर जाते हैं, वो हमेशा के लिए डरने लगते हैं, उन्हें बहुत एंजाइटी होने लगती है कि अगर कल को फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, वापस से हमें ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हमें ये नेगेटिव इमोशंस से हमें वापस से जाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स के कॉमन एग्जाम्पल्स के ये ह्यूमन पे कैसे असर डालते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स आर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते भी, तो ये हमारे क्या हुआ, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर। तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं इनको हम डिजास्टर्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। क्या आप अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर अर्थक्वेक आएगा
तो आएगा, आप उसे कुछ भी करके रोक नहीं सकते। सुनामी अगर आएगी तो वो आएगी, आप सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, आप इन सबको प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हमें इनसे कैसे बचा जाए, ठीक है। तो यूजुअली कम विदाउट एनी वार्निंग, एज अ रिजल्ट इन इमेंस डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। तो ये बिना किसी, कभी कभी बिना किसी वार्निंग के आते हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देते हैं ह्यूमन लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी। और जो लोग इन डिजास्टर से बच जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक में, डिप्रेशन में, एंगजाइटी में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आ गया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर का इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली दे लीव पीपल पॉवर्टी सिकिन। तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये क्या होता है, इससे ना लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं। जैसे उनका घर बार चला गया, वो होमलेस हो गए, उनके रिसोर्सेस चले गए, दे लॉस लॉस ऑफ एवरीथिंग दे ओन, उन्होंने जो भी खरीदा था वो सब कुछ चला गया। जैसे अर्थक्वेक आया तो उन्होंने घर बनाया था, उनका घर टूट गया, घर के अंदर जितना भी सामान था वो टूट गया, उनके कपड़े, उनके अंदर का, घर के अंदर का जितना भी फर्नीचर था, सब कुछ लॉस, सब कुछ उन्होंने खो दिया। तो क्या हो जाएगा, वो लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि हमें नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग पॉवर्टी सिकन हो जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास जितना भी कुछ होता है वो लोग खो देते हैं। तो सेकंड हो गया हमारा, द सडन लॉस ऑफ देयर बिलोंगिंग्स। उनके वो जितनी भी उनकी बिलोंगिंग्स होती है, एज वेल एज देयर डियर वंस, ठीक है, उनके जितने भी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा कहीं से पानी आ गया, सुनामी आ गया, तो हो सकता है कि उनके एक दो मेंबर्स ना जैसे उस पानी के साथ बह गए। तो क्या होता है, तो उनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जैसे उनके घर का फर्नीचर और उनका ज्यादा कीमती सामान, वो सारा उस पानी में बह जाता है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी लाइफ दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है, वो लोग अपने डियर वंस को खो देते हैं। तो सेकेंड लॉस होता है ये, उनके बिलोंगिंग्स और अपने डियर वंस को वो खो देते हैं, जिसकी वजह से वो शॉक में चले जाते हैं। दिस इज इनफ टू क्रिएट डीप सीटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो, उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर। वो लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो लोग शॉक में चले जाते हैं, वो लोग मेजर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स खो दी, उन्होंने जितना भी कमाया था वो सब खो दिया, वो लोग होमलेस हो गए, वो लोग पॉवर्टी सिकन हो गए, ठीक है, उन्होंने अपने डियर वंस को खो दिया, उन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया, वो लोग अकेले रह गए, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर हमें क्या देता है, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर देता है हमें इमोशनल, पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर से क्या होता है, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सच एज ग्रीफ, फियर, इरिटेबिलिटी, एंगर, गिल्ट फीलिंग ना। हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जैसे हम लोग ना, हमें एंजाइटी हो जाएगी, हम लोग डरते रहेंगे कि दोबारा आएगा तो कैसे होगा, हमारा वापस से सब कुछ चला जाएगा, हम अपने लव्ड वंस को खो देंगे, अपना हम अपनी बिलोंगिंग्स खो देंगे, हमने अपना जितना भी कमाया हम वो सब खो देंगे, हम लोग वापस पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएंगे। तो उन लोगों में एक फियर आ जाता है, एक इरिटेबिलिटी आ जाती है, एक एंगर आ जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये वो एक एंगर वाली फीलिंग आ जाती है कि हम ही क्यों, उनमें एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है ऑफ हैविंग, फॉर हैविंग सर्वाइव्ड, ठीक है, कि हमारे लव्ड वन तो चले गए, हम क्यों जिंदा रह गए, हम किस लिए जिंदा रह गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तो उन लोगों में ना एक एंगर आ जाता है, एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है। समवन एल्स इन द फैमिली डाइड, कोई मर जाता है तो दे ब्लेमिंग वन सेल्फ, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम लोगों ने अपने आप को बचा लिया, हम लोग उनको नहीं बचा पाए, हम क्या करें। उनकी रोज की जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है उसमें उन लोगों का क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, खोए खोए से रहते हैं, सोचते रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, डरते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे इमोशनल रिएक्शन। देन आते हैं हमारे कॉग्निटिव रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉग्निटिव रिएक्शंस क्या होते हैं, सच एज वरी, डिफिकल्टी इन कंसेंट्रेशन, रिड्यूस स्पैन ऑफ अटेंशन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, विविड मेमोरीज, ठीक है, ये सब होने लगता है हमारा। हम लोग कोई भी कोई काम करते हैं तो हम लोग उस पर कंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा कंसेंट्रेशन, ये सब कुछ बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वरी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि दोबारा ऐसा हुआ तो क्या होगा। फिर आता है हमारा सोशल रिएक्शन। तो ये सोशल रिएक्शन कैसे होता है, सच एज विदड्रॉल फ्रॉम अदर्स एंड गेटिंग इन टू कॉन्फ्लिक्ट
विद अदर्स, ठीक है? तो ये दूसरों से ना अपने आप को ना अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। दूसरों के साथ अगर ये बात करते हैं तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। तो दूसरों से इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है? इनके आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, और जिनसे ये लोग प्यार करते हैं उनसे भी इनके आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं कि हमने तो ये भी खो दिया, हमने तो वो भी खो दिया, तुम फिर भी ऐसा सोचते हो या ऐसा सोचती हो। तो उनके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और लेफ्ट आउट, तो ये बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं कि हम लोग पॉवर्टी सिकन हो गए, तो मतलब लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या हमने अपने लोगों को खो दिया तो हम बहुत अकेले रह गए, बहुत लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। ओके, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन होता है ना, ये किन चीजों से अफेक्ट करता है? ये होता है द सिवियरिटी ऑफ डिजास्टर एंड द लॉस, ठीक है? ये लॉस की वजह से होता है, सिवियरिटी ऑफ डिजास्टर की वजह से होता है, कोपिंग एबिलिटीज की वजह से होता है। कोपिंग एबिलिटी मतलब होता है कि कैसे बचा जाए, जैसे अर्थक्वेक आए तो आप क्या करें, कोने में खड़े हो जाएं, बिल्डिंग से बाहर निकल खड़े हो जाएं, तो ये होती है हमारी कोपिंग एबिलिटीज, ठीक है? और द अदर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस बिफोर द डिजास्टर, आपने डिजास्टर से पहले भी कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करा है, तो ये उस वजह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस बिफोर मे फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू डील विद द अनदर, ठीक है? मान लीजिए आपने पहले कहीं पर कोई सुनामी आ गई, लोगों ने वो एक्सपीरियंस करी, फिर उसके बाद एकदम से अर्थक्वेक आ गया, तो वो अभी सुनामी से उभरे ही नहीं थे, उनके लाइफ में एक और स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस आ गया, लाइक अर्थक्वेक आ गया, तो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है उनके लिए कि अभी तो हम एक से ही नहीं उभरे, अब ये भी हो गया। तो अब आता है हमारा मिनिमलिस्ट डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारा मिनिमलिस्ट डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वन हो गया हमारा वार्निंग्स, सेकेंड हमारा हो गया सेफ्टी मेजर्स। तो वार्निंग्स के अंडर क्या आता है? इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू टू द रेडियो इन अ रिसेंट पास्ट, यू माइट हैव हर्ड एडवर्टीजमेंट दैट मेंशन वॉट पीपल शुड डू वेन इट इज अनाउंस दैट सम नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड इज लाइकली। तो इसमें क्या आता है, ये उनके कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमाइजिंग डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि जो जैसे जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल इमोशनल, ये उसको कैसे कम कर सकता है, कैसे रिड्यूस कर सकता है। तो ये सबसे पहले आता है हमारा वार्निंग, तो ये वार्निंग की वजह से हो सकता है। हमें पहले, जैसे आपने पहले सुना होगा, लोग रेडियोज होते हैं तो लोग रेडियोज पे सुनते हैं कि जैसे डिजास्टर आने वाला है, जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, आप लोग ये करें, आप लोग वो करें, आप लोग टेबल के नीचे बैठ जाएं, आप लोग कहीं कोने में खड़े हो जाएं, आप लोग अपने बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं, तो ये वार्निंग्स की वजह से भी कम हो सकता है। नाउ सेकेंड इज सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर्स लेने जरूरी होते हैं ताकि लोग ना पहले से ही मेंटली फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हाँ ये ऐसा हमारे साथ होने वाला है, हम लोग पहले से ही सेफ्टी मेजर्स लेके चलें, हम पहले से ही टिप्स लेकर चलें, हम लोगों को पहले से वार्निंग मिल गई है तो अब हमारा लॉस कम होगा, इसमें लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे जो लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट होते हैं? तो सबसे पहला हमारा ट्रीटमेंट इंक्लूड करता है सेल्फ हेल्प, ठीक है? सेल्फ हेल्प क्या होता है, अप्रोचेस एज वेल एज प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। तो सेल्फ हेल्प मतलब आप अपनी हेल्प कैसे करें, आप अपने आप को कैसे सेफ रखें, आप अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे निकालें, आप अपने आप को क्या बोलते हैं, उस डिप्रेशन से कैसे निकालें, ज्यादा ज्यादा इरिटेट, आप ज्यादा इरिटेट ना हो, आप ज्यादा एंग्री ना फील करें, आप एग्रेशन में ना आए, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो उसके लिए आप अपनी अपनी खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं, करते हैं। अगर आपकी खुद की हेल्प नहीं होती तो अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए अपने डिप्रेशन के लिए, अपने एंगर के लिए, अपने एंजाइटी के लिए। तो सेकेंड वन हो गया द वेरी फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग मटेरियल रिलीफ इन फॉर्म ऑफ फूड क्लोथिंग मेडिसिन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, लोगों ने अपनी लाइफ खो दी, अपना घर खो दिया, तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट उन्हें मटेरियल रिलीफ दे सकती है, वो हमें उन्हें इमोशनल या मेंटल रिलीफ तो नहीं दे सकती ना, तो वो उन्हें क्या करती है, वो उन्हें थोड़ा मटेरियल रिलीफ देती है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, उनको खाना देती है, पानी देती है, उनको घर रहने के लिए घर देती है। जैसे गवर्नमेंट बहुत बार पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि वो ना अपने थोड़ी जरूरत का सामान खरीद ले।
तो फर्स्ट स्टेप ये होता है उन्हें मटेरियल रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, काउंसलिंग। इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल कैसे भी उन लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, या तो एक-एक को बुला के बात करो या पूरे ग्रुप को बुला के बात करो, ताकि वो अपनी स्टोरीज बताएं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने अपनी प्रॉपर्टी खो दी, हमने अपने लव्ड वंस को खो दिया। तो इससे क्या होगा, इससे जो दूसरा इंसान होगा ना, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, या सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसके साथ ये हुआ। उनको ऐसा लगता है नहीं, और भी लोग हैं जो इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। तो उन्हें थोड़ा शांत फील होता है, उन्हें रिलैक्स फील होता है। नाउ दूसरा क्या हो गया हमारा, फाइनली हमारा हो गया रिहेबिलिटेशन इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रेजुअल रिटर्न टू नॉर्मल रूटीन। तो हमारा सेकेंड हो गया, हमें उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, हमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनका जितना भी प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, अब हम उनके लव्ड वन तो वापस नहीं ला के दे सकते हैं, तो कम से कम उनकी जो भी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन हुए हैं, जो भी उनका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, ठीक है, उनके पैसे का और या उनके फर्नीचर का, उनके घर का जितना भी लॉस हुआ है, उसके लिए हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सके, ताकि वो वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आए, दोबारा से काम वाम शुरू करें और वापस से अपना घर बार वापस बना लें। फिर क्या होता है, एट सम स्टेज फॉलो अप ऑफ द विक्टम्स, विक्टम का फॉलो अप होना जरूरी होता है। और जो सर्वाइवर्स होते हैं, विक्टम्स भी और सर्वाइवर्स भी, जो जिन लोगों को थोड़ी छोटी मोटी चोट लगती है वो, और जो लोग इस नेचुरल डिजास्टर से बच जाते हैं, उनका फॉलो अप होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने उनकी काउंसलिंग करी, आपने उन्हें मटेरियल रिलीफ दिया और छोड़ दिया, नहीं, उनका फॉलो अप होना जरूरी होता है कि वो कैसे रह रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, वो अपने ट्रॉमा से बाहर आए कि नहीं, तो ये सब देखना भी जरूरी होता है।